अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप सब? कल लगा हुआ था जनता कर्फ्यू और कल बिल्कुल सन्नाटा था पूरे उन्नाव में, और आज का जो दिन है वो काफी चहल पहल वाला हो गया है। कोई बात नहीं मान रहा है और सब बाहर निकल रहे हैं। आप गाड़ियों के बाद आपको सुनाई दे रही होगी, अगर सब अपने काम पे लग गए हैं। यहाँ पे कुछ भी बंद नहीं है, सिर्फ स्कूल और कॉलेज यही सब बंद है, ऑफिस खुले हुए हैं। तो सबको अपने घर पे रहना चाहिए। मेरे यहाँ पे स्वयं मेरे पापा मम्मी भी अपने अपने काम पे चले गए हैं, तो ये सोचने वाली बात है, क्या बताएं, अब बड़े लोग हैं, उन लोगों को कैसे समझाया जाए। बहुत रोका हमने लेकिन वो रुके नहीं, और अभी दोपहर के 11:30 बज रहे हैं। तो मैं आज कढ़ी बनाने जा रही हूँ, कढ़ी और चावल। रोटी भी बनाई है और थोड़ी सी बनानी है, आटा रख दिया था गूंथ कर। कढ़ी के साथ चावल अच्छा लगता है तो चावल भी थोड़े से बनाऊंगी। तो सबसे पहले बेसन ले लेंगे, थोड़ा सा नमक ले लेंगे स्वाद अनुसार, थोड़ा सा ही लेंगे क्योंकि ग्रेवी में भी नमक रहेगा। थोड़ा सा हींग ले लेंगे, आप चाहे तो बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं पकौड़ियों को और फ्लफी और स्पंची बनाने के लिए। मैं सिर्फ पानी से ही फेंटूंगी। और इसे अच्छे से फेंटना है ताकि कोई गांठ ना रह जाए। ये देखिए बेसन जो है मैंने अच्छे से फेंट लिया है, और ये अच्छे से फिटा है या नहीं इसे चेक करने के लिए हम एक ट्रिक है वो आजमाएंगे। इससे ये पता चल जाएगा कि आपका बेसन अच्छा फिटा है और आपके जो बेसन की पकौड़ियां हैं, कढ़ी की पकौड़ियां हैं, वो फ्लफी बनेंगी या फिर टाइट रहेगी। तो उसको चेक करने के लिए मैं एक ट्रिक आपको बताऊंगी। ये ट्रिक मैं पहले भी बता चुकी हूँ लेकिन एक बार फिर से बताऊंगी आपको। ये देखिए, ये जग में मैंने पानी ले लिया है और थोड़ा सा बेसन जो मैंने फेटा हुआ है इसे ले लेंगे और ये इसमें ऐसे डाल देंगे। ये देखिए बेसन ऊपर आ गया है, तो इसका ये मतलब है कि बेसन बहुत ही अच्छे से फिट गया है और ये ऊपर पानी में तैर रहा है। तो इसकी पकौड़ियां फ्लफी और स्पंची बनेगी। जब पकौड़ियां बनेंगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये ट्रिक मैंने अपनी मम्मी से सीखा है, ये इस तरह से ही वो करती हैं, मैं बचपन से देखती आई हूँ। तो ये एक बहुत ही आसान ट्रिक है और आप घर पे आसानी से देख सकते हैं कि आपकी पकौड़ियां किस तरह से बनेंगी। अब मैं कढ़ी के लिए पकौड़ियां बना लेती हूँ। के लिए जो बेसन तैयार किया था ये वही बर्तन है, इसी में मैं थोड़ा सा दही लूंगी। ये घर पे जमाई हुई नॉर्मल दही है, ये बिल्कुल खट्टी नहीं है, तो हमारे यहाँ पे ज्यादा खट्टा नहीं लिया जाता है। अभी मैंने ये दही ले लिया है और इसमें एक गिलास पानी ले लिया है और एक गिलास पानी मैं और ले लूंगी, थोड़ा सा दही मैं और ले लूंगी इसमें, और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और थोड़ा सा बेसन मैं इसमें डालूंगी और इसे मिक्स कर लेंगे। कढ़ी के लिए तैयार हो गया है, अभी हम कढ़ी को तड़का लगाएंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि पकौड़ी किस तरह से बनी हुई है। ये देखिए फ्लफी है ये और बहुत ही स्पंची है, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट पकौड़ी बनी हुई है, ये इस तरह से ये पकौड़ियां बनी हुई है। और तड़के के लिए मैंने ये प्याज लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट तैयार किया है, इसमें मैं बेसिक मसाले डालूंगी। तो सबसे पहले मैं इसमें मेथी डालूंगी, तेल गर्म हो गया है, और साथ में ये तेज पत्ता और लाल मिर्च भी डाल दूंगी, थोड़ी सी हींग, और ये पेस्ट मैं अब इसमें डाल दूंगी। मसाले को थोड़ी देर तक भूनना है
और फिर उसके बाद हम बेसिक मसाले इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए थोड़ी देर मसाला भूनने के बाद अब मैं इसमें बेसिक मसाले ऐड करूंगी, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला और नमक स्वाद अनुसार। अब इसे अच्छे से भून लेंगे। मसाला बहुत ही अच्छे से भून गया है ये देखिए। और अभी मैं इसमें जो मैंने ये तैयार किया था ये ग्रेवी के लिए, अभी मैं ये इसमें डालूंगी। उधर मैंने चावल चढ़ा दिया है ताकि साथ में जब तक ये होता रहेगा तो चावल भी अपने हो जाएंगे। इसमें पानी डाला हुआ है, ये इसको खोलने के लिए कुछ देर तक खोलाएंगे, उसके बाद हम इसमें जो पकौड़ियां बनाई थी बेसन की वो इसमें डालेंगे। तो इसको थोड़ी देर खोलने देंगे हम। दोस्तों देखिए ये खोलने लगी है और अभी मैं इसमें ये जो पकौड़ियां बनाई थी बेसन की वो डाल दूंगी। 5 से 10 मिनट तक इसे और हम अच्छे से पका लेंगे, 5 या 10 मिनट तक इसको पकाएंगे और फिर गैस ऑफ कर देंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं और अभी मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। इसकी ग्रेवी अभी आपको पतली दिख रही होगी लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा और इसकी ग्रेवी और थिक हो जाएगी। ये देखिए कढ़ी बन गई है, अभी ये और थिक होगी और अभी मैं इसमें धनिया डाल दूंगी। ये देखिए लंच बनकर तैयार हो गया है। इधर ये है कढ़ी और इधर राइस है और इधर है रोटियां। और एक चीज और है, ये चटनी है, मम्मी ने सुबह बनाई है, इसे सिलबट्टे में पीसा है और इसमें है लाल सूखी खड़ी मिर्च, लहसुन, नमक। इन 3 चीजों से ही सिर्फ ये चटनी बनाई गई है और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये अचार है, ये मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में दिखाया था, नवरंग चटपटा मिक्स अचार, ये भी मैंने पापा से मंगवाया है, ये नया दूसरा पैक है और पहला वाला मैंने आपको दिखाया था खत्म हो गया है और ये भी इतना ही बचा हुआ है, ये भी खत्म होने वाला है। मैं आपको दिखाना भूल जाती हूँ रोज, तो मैंने आज सोचा आपको दिखा देती हूँ। ये बहुत ही टेस्टी अचार है तो अभी फिर से मंगवाना पड़ेगा। चलिए अब लंच कर लेते हैं। चाय बना रही है और सैंकी के लिए ब्रेड और दूध को मिक्स कर रही है। तो अभी मैं पोहा बना रही हूँ। दोपहर में लंच के बाद मैं थोड़ी देर अपने लैपटॉप पे काम किया और फिर उसके बाद सो गई थी और न्यूज हम लोग कंटिन्यू देख रहे हैं। जिस तरह से हालात सुधरते हैं फिर बिगड़ जाते हैं तो उसमें हम सबको साथ देना है। कई शहरों में लॉकडाउन कर दिया गया है लेकिन उसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। मुझे अपने देशवासियों से यही कहना है कि प्लीज आप लोग घर पे रहिए, जितना घर पे रहेंगे उतना सेफ रहेंगे क्योंकि इस वायरस का कोई वैक्सीन नहीं बना है अभी तक, तो सिर्फ इसका इलाज एक ही है, बचाव। जितना आप बचाव करेंगे उतना ही सेफ रहेंगे। आप लोग घर पे रहिए। और हाँ, मैंने सुबह आपसे बोला था कि मेरे यहाँ भी मम्मी पापा बाहर गए हैं काम करने के लिए, मम्मी ऑफिस गई है, मम्मी की गवर्नमेंट जॉब है तो अभी उनके ऑफिस में छुट्टी नहीं बोली गई है इसलिए उन्हें जाना पड़ रहा है, लेकिन पापा अभी आ गए हैं और अब वो शायद ना जाएं काम पे। मम्मी की ड्यूटी लगी हुई है, 2 दिन छोड़कर उन्हें जाना है काम पे जब तक कि ऑफिस में छुट्टी नहीं बोल दी जाती है, इसलिए उन्हें अभी जाना है। हो सकता है कि आगे चलकर छुट्टी भी हो जाए इसलिए उन्हें अभी जाना पड़ रहा है और पापा उन्हें ही लेने गए हैं ऑफिस। तो बस आपसे यही कहना है कि जितना आप घर पे रहेंगे उतना सेफ रहेंगे, बचाव करिए और देश का साथ दीजिए, सरकार का साथ दीजिए। प्लीज आप इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिए क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक वायरस है। भी बन गया है, अभी पापा नहीं आए हैं मम्मी को लेके, मार्केट में कुछ सामान लेने लगे हैं, राशन का कुछ सामान खत्म हो गया है वही लेने लगे हैं। तो मैं कुछ कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ दिखाती हूँ। ये देखिए मैं अपने नेल्स को इनका बलिदान देने जा रही हूँ। लंबे नाखून का शौक सबको होता है, मुझे भी है, लेकिन मैं ज्यादा दिन तक इन्हें नहीं रख सकती हूँ, मुझे उलझन होने लगती है। तो अब मेरा शौक खत्म हो गया है तो अब मैं इन्हें हटाने जा रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा है कि मैं इन्हें काटने जा रही हूँ।
अपने हाथों में बहुत ही हल्का हल्का महसूस हो रहा है। ये देखिए इतना बड़ा हो गया था, अब मैंने फेंक के आती हूँ बाहर और यहाँ पे स्प्रे कर देती हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ इसे फेंकने और अपने हैंड को अच्छे से वॉश कर लूंगी। विराम देती हूँ, फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ में। अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये आपके लिए गर्मा गर्म चाय और पोहा। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।